सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई दोस्त लोग। तो गाइज यार, ये मेरी साल की पहली वीडियो है यार। मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को, मतलब इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था मैं, कम से कम एक दो महीना हो गया भाई। दिसंबर से पहले मैंने वीडियो डाली थी एंड उसके बाद मैंने एक महीने की ब्रेक ली एंड अभी 2 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली वीडियो। एंड गाइज यार, ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी थी वीडियो बनाने की, यार मैंने बहुत कोशिश करी थी। मैं नेदर में भी गया था, फोर्ट्रेस ढूंढी थी और फोर्ट्रेस से ब्लेज रॉड वगैरह लाया था, लेकिन यार क्या करूँ यार, मन नहीं हुआ मेरा ना एक महीने में बिल्कुल वीडियो बनाने का। और भाई उसमें क्या मतलब वॉइस भी नहीं रिकॉर्ड करी थी, तो डेफिनेटली यार थोड़ा बुरा हो गया, बट ठीक है यार। सो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में मैंने डिसाइड करा है कि आज हम लोग जाने वाले नेदर में, और नेदर में जाके माइनिंग करने वाले हैं एंशिएंट डेब्रिस की, और एंशिएंट डेब्रिस से बनाएंगे हम एक अपना नेदरराइट आर्मर। एंड देन गाइस हम बनाने वाले हैं एक मॉब ग्राइंडर जिसमें से बहुत ज़्यादा मॉब्स आते हैं, खैर उसको तो बाद में बनाएंगे, सबसे पहले नेदरराइट आर्मर बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं नेदर में जाने की, एंड लेट्स गो। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो मैंने आर्मर बनाया था इतने दिन पहले, इस पर मैंने प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग वगैरह सब कुछ लगा रखी है एंड ये स्वॉर्ड भी। तो हम लोग आज इसको नेदरराइट में करने की सोच रहा हूँ मैं, इस वाले आर्मर को। एंड इस वाले पिकैक्स में अपने का एंडिंग लग चुकी थी, इतना मुझे पता है। एंड मुझे ये भी याद है कि पिछले वाले एपिसोड में अपन को 2 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिले थे भाई मुझे पता नहीं, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कैसे मिल रहा है, लेकिन यार ठीक है। एंड अभी हम जाने वाले हैं नेदर में, ये है अपना नेदर गेट, लेट्स गो मैन। ओके फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर। एंड मैं फोर्ट्रेस गया था, फोर्ट्रेस का रास्ता गया था एक महीने बाद खेल रहा हूँ, और भाई मुझे ये याद नहीं है भाई मैं फोर्ट्रेस का रास्ता गया था। सो गाइस यार, फाइनली हम लोग आ चुके हैं, F3 लगा दिया मैंने, हम लोग आ चुके हैं वाई लेवल 16 पर। यस ये है 16 वाई लेवल, एंड हम लोगों को इधर से माइन करना है। एंड लेट्स गो, एंशिएंट डेब्रिस मिल जाओ ब्रो। ओ भाई, पहला एंशिएंट डेब्रिस हमारे को मिल चुका है अपनी लाइफ का, मतलब जितना भी अपने को एंशिएंट डेब्रिस मिला है वो पिछले एपिसोड में बैस्टियन से मिला था, तो मतलब ये मेरी लाइफ की मेहनत का पहला एंशिएंट डेब्रिस है। एंड इसके आसपास कुछ मिल जाए ना भाई, इसके आसपास कुछ ना मिल सकता, तो बस इसको बंद कर दो गड्ढे को। चलो भाई पिकैक्स को रिपेयर करने का माल। ओ भाई ओके, ना दूसरा माल मिल चुका है अपन को अपना फाइनली। अरे 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 चुके हैं यहाँ पे माइनिंग कर अपने पास आ चुके हैं 27 एंशिएंट डेब्रिस। एंड 27 एंशिएंट डेब्रिस का भाई हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आर्मर पे लगाएंगे, पिकैक्स पर लगाएंगे एंड ऑल, एंड पूरा बन जाएंगे, मैक्स हो जाएंगे आज भाई, पूरा मतलब पूरा मैक्स हो जाएंगे। फर्नेस कहाँ है, फर्नेस ये रही, ये होगा नहीं पता तो बता देता हूँ। एंड ये तो स्मेल्ट हो जाएंगी मेरे पास, एंशिएंट डेब्रिस, हाँ ये वाला एंशिएंट डेब्रिस उधर लेके आगे डाल देता हूँ, क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैंने दरवाजे को पूरा खोल रखा है, मुझे नहीं पता। एंड या अब यह हो चुका है। एंड गाइज अब हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक XP फार्म बनाने का। एंड ये पता नहीं क्यों यार मैं इतना बेफालतू का सामान नेदररैक में अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। एंड अभी हम जाने वाले हैं कॉबल स्टोन थोड़ा सा और माइन करने के लिए, क्योंकि अपन को चाहिए कम से कम 5 से 6 स्टैक चाहिएगा अपन को,
ये क्या कहते हैं स्टोन, तो भाई जल्दी से लगता हूँ यार मैं काम पर, मतलब दिमाग खराब है यार। अभी बस इतना तो काफ़ी रहेगा भाई, इतनी ज़्यादा हो चुका है एंड यहाँ पे एक स्टैक, इधर भी इतना, सो आई थिंक इतना तो काफ़ी रहेगा। अगर नहीं रहेगा इतना काफ़ी तो मैं और आ जाऊँगा लेने के लिए। एंड अभी तक हमारा एंशिएंट डब्रीज तो हो ही गया होगा, एंशिएंट डब्री यहाँ हो चुका है फाइनली। 7 नेदरराइट इंगट हमारे पास हो चुके हैं, 7 नेदरराइट इंगट, कैन यू इमेजिन मैन, 7 नेदरराइट इंगट। एंड इसको अभी टेम्प्रेरी का सामान को इधर रखो, इसको दो, इसको दो, देन इसको दो। एंड ना जितना भी डैमेज हुआ है ना ये फोर्ट्रेस में हुआ है, फोर्ट्रेस में इस वाले आर्मर को लेकर गया था एंड उधर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था यार। सो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सॉल्ट, देन उसके बाद ये, देन ये, देन ये एंड लास्ट ये। मेरे पास खाली एक नेदरराइट इंगट बचा है अब, लेकिन फाइनली रुक जाओ एक मिनट, इसको यहाँ पर पकड़ो। ये देखो कवर मीन डेवरिस की एंचाइटमेंट हमारी हो चुकी है एंड इस बेकार से कपड़े को उतारो। एंड अभी ये पहन लो, ये ब्रो क्या लग रहा हूँ भाई, मतलब क्या बताऊँ भाई, नेदरराइट पहनने के भाई मतलब चौड़ ही कुछ और होती है। एंड ब्रो यस, चलो भाई अब एक्सपी फार्म बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि एक्सपी फार्म बना लूँगा ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जोम्बी वाला एक्सपी फार्म तो बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, सो इसीलिए भाई जल्दी से बनाते हैं वाला फार्म। तो गाइस यार अभी अभी पता लगा है कि हमारे को ये कितने स्टैक है, 1 2 3 4 5 6 स्टैक से कुछ नहीं होने वाला, अपन को बहुत ज़्यादा चाहिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा चाहिएगा। एंड यह लग जाते हैं भाई थोड़ा, मतलब 11 स्टैक तो हमारे को बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए एंड 11 स्टैक के बाद भाई अपन को लकड़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्टेयर्स वगैरह भी चाहिए एंड स्लैब भी चाहिए बहुत सारा। तो या भाई लग जाते हैं भाई काम पर बिल्कुल। सो गाइस यार ये जो सामान देख पा रहे हो ना इसको कलेक्ट करने में भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन इतना सामान अपने को चाहिए भाई ये वाला फार्म बनाने के लिए। भाई इतना ज़्यादा बड़ा फार्म होने वाला है, मतलब 11 स्टैक तो हमारे को ये लगने वाले हैं और 14 स्टैक और 20 हमारे को ये लगने वाले हैं, मतलब मैंने पूरा 15 स्टैक ही कलेक्ट कर लिए मतलब। एंड ट्रैप डोर्स भी बहुत सारे लगने वाले हैं, मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई बिल्कुल। सो गाइस अब जो अपना जो फार्म है मैं इधर से बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि माउंटेन है एंड जो मॉब्स हैं वो माउंटेन पर स्पॉन हो सकते हैं, तो इसलिए ना मैं ये वाला जो फार्म है माउंटेन पर बनाऊंगा, क्योंकि नीचे तो डेफिनेटली स्पॉन नहीं होंगे तो अब माउंटेन पर भी नहीं होंगे, तो ये वाला फार्म माउंटेन के ऊपर बनाऊंगा मैं। एंड गाइस यार इस बेसिकली इस फार्म का मैकेनिज्म क्या है कि हम अगर हम 150 ब्लॉक अगर ऊपर चले जाते हैं ग्राउंड लेवल से, तो फिर मॉब्स जो हैं खाली मतलब उस प्लेटफॉर्म पर ही स्पॉन हो सकते हैं, नीचे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो फिर मैं इधर पूरे 3 स्टैक्स ब्लॉक लगा रहा हूँ जो कि 150 ब्लॉक से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे मॉब नीचे ना स्पॉन हो। तो गाइस यार यहाँ पर अभी मैं, अरे भाई मेरा पानी चाहिए, अरे अरे भाई पानी का, अरे दिख गया भाई, के भाई मैं अभी डर गया था। सो अभी ये है, अभी हमारे को आपके क्या करना है, चेस्ट लगानी है बिल्कुल ऐसे एंड देन यहाँ पर हॉपर लगा देने हैं ऐसे करके बिल्कुल। मैं यहाँ पर, अबे यार मैं स्लैब लाना भूल गया, इधर लगाऊंगा स्टोन को कैसे लगा देना है एंड ये इधर करना है एंड देन ये इधर करना है एंड देन ये इधर करना है, कंजूसी दिखानी है ऐसे करने में एंड देन इसको 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 यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लगा देना है एंड देन इधर इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है मैं चलिए आप हमारे पास आ जाओ एंड ये यहाँ पर दो टैप लगा। गाइस यार अब हमारे को गिन कर क्या करना है, इसको पूरा 22 ब्लॉक तक बनाना है गिन कर बिल्कुल, मतलब कंजूसी नहीं दिखाने मतलब गिन कर 22 ब्लॉक ऊपर। तो ये कितना भाई मैं भूल ना जाऊँ, एक था ये, 2 3 4 5। सो गाइस यार अब ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है यहाँ पर मामला। अरे यार ये गलत ब्लॉक्स क्यों लगा रहा हूँ मैं, वेस्ट कर रहा हूँ फालतू के ब्लॉक्स। एंड देखो यहाँ तक मामला कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है,
एंड ये करना है, देन उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, स्टेयर्स चाहिए, स्टेयर्स कहाँ ये स्टेयर्स। एंड अब हमारे को क्या करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड अरे यार ये तो कह रहा हूँ भाई टाइम वेस्ट होगा यार बेफालतू का। पर भी ऐसे कॉबलस्टोन स्टेयर लगाना, मैं थोड़ा गलत बोल रहा था। एंड देन यहाँ पर हमारे को लैडर्स लगा देनी, यहाँ पर लैडर्स लगानी है, एंड देन फिर यहाँ पर लैडर्स लगानी है। एंड ये अरे ऐसे दबा दें, एक दो तीन चार पाँच छः चारों साइड में करना है, तो चारों साइड में आपसे कंप्लीट करके मिलता हूँ। ये है हमारा आखिरी। एंड इधर लगाने के बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को एक भाई गिरी हो मत गलती से भी, जा एक दो, एंड ये दो हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पे एक दो एक दो एक दो ऐसे करके हमारे को पूरा करना है, तो आपसे करके मिलता हूँ। तो गाइस अभी हमारा ये वाला काम हो चुका है। एंड देन अब हमारे को क्या करना है, ये जो हम आ चुके हैं ऊपर, एंड अब हमारे को ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला, इस वाले ब्लॉक से हमारे को ये यहाँ से लेके वो, अरे भाई मैं क्यों फेंक रहा हूँ ब्लॉक पे फालतू के, ऐसे मेरे पास ज़्यादा हैं ब्लॉक। और ये वाला जो देख रहे हो ना आप, क्या कहते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है हमारे को, इसको इससे आके मर्ज कर देना है। एंड देन फिर हमारे को पूरा भरना है ये, फिर सो गाइस अब हमारे को क्या करना है, ये जो ट्रैप डोर देख रहे हो ना, अरे यार मैं नीचे को गिर गया। सबसे भाई मैं ट्रैप डोर का काम नहीं करना इस फ्रेंड को, सबसे पहले हमारे को क्या करना है यहाँ पर लगा देना है यहाँ पे दो दो स्लैब। अरे भाई मैं दोबारा गिर गया, एक सेकेंड रुको, ये देखो यहाँ पे ऐसे, भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब बेकार देखो बिल्कुल काम बेकार कर रहा हूँ, बार बार गिरना भी नहीं है। प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। एंड देन फिर आगे हमारे को क्या करना है, ट्रैप डोर लेने हैं, एंड ट्रैप डोर को ऐसे 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 करके लगा देना है, खोल देना है। एक तो यार पहले इसको हटाओ यार, मैं भी फालतू दिमाग खराब कर रहा है। सो गाइस अब हमारा हो चुका है ये। एंड देन अब ना पूरा ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमारे को एक दो तीन चार ब्लॉक छोड़ना है, यहाँ पर एक लगाना है, एंड देन फिर यहाँ पर हमारे को एक ब्लॉक छोड़ना है, एंड इस वाले ब्लॉक पर एक यहाँ पर ट्रैप डोर लगाना है। एंड देन फिर दूसरी लाइन में ये वाला जो पहला वाले में इधर हमारे को लगाना है, एंड देन यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के ये वाले ब्लॉक पर हमारे को ऐसे लगाना है ट्रैप डोर। एंड देन यही सेम जगह एक सेकंड रुको, देन फिर हमारे को यहाँ पर एक और ट्रैप डोर लगाना है, एंड देन यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही। गाइस ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मैंने बना दिया है पूरे में। वैसे गाइस यार इसको बनाने का कारण था कि स्पाइडर स्पॉन ना हो, क्योंकि स्पाइडर ज़ॉम्बीज वगैरह को अटका देती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था भाई, मेरे को पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, लेकिन बाद में समझ आ गया क्या करना था। एंड यार यहाँ से ऊपर जाना है, इस वाली वॉल को मेरे को तीन ब्लॉक हाइट का बनाना है, एक दो तीन। एंड देन गाइस ये तीन ब्लॉक एक्सटेंड करने के बाद जो हम लोगों ने सेम चीज़ नीचे करी थी वही चीज़ हमारे को ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड देन गाइस फिर हमारे को दो ब्लॉक ऊपर जाकर ये थोड़ा गलत लग गया मेरे से, तो देन हमारे को पूरा वहाँ पे दो, अरे यार वहाँ पे स्केलेटन है, स्केलेटन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, तो अभी के हैंड टू हैंड इसको मार दो भाई, कितना दूर उड़ के गया, नॉक बैक का फायदा है ब्रो। तो यहाँ से हमारे को दो ब्लॉक ऊपर उठाना है, एंड देन दो ब्लॉक ऊपर उठ के हमारे को एक्सटेंड कर देना है, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म बना देना है। और फिर वो जो प्लेटफॉर्म था उधर हमारे को ऊपर पूरे में ब्लॉक्स लगा देने, एंड देन छत पर कोई मॉब स्पॉन ना हो इसलिए यहाँ पे लाइटिंग लगा देनी है। एंड लाइट्स लगाने के बाद जो है हमारा काम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड गाइस यार अब ये जो फार्म है हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इस वाले फार्म में कितने सारे मॉब्स कितनी देर में आएंगे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें, तो लेट्स चेक इट। अब यहाँ पर अब मॉब आने शुरू हुए हैं, एंड अब धड़ाई धड़ाई आ रहे हैं, एंड मेरे को अपनी मतलब जो पिकैक्स है उसको रिपेयर करना है, एक सेकंड रुको। लूट तो भाई यहाँ पर मिलेगी, वो तो भाई बात साफ है, लूट तो यहाँ पर मिलेगी। अरे अरे कूद मत, अरे अरे बहुत मारूंगा भाई, ये बढ़िया है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई ये देखो,
तो गाइस यार आई थिंक आज की इस वाली वीडियो में मैं इतना रखता हूँ। एंड ये वाला फार्म जो काम कर रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा काम कर रहा है। एंड गाइस यार इस वाले फार्म से हमारे को गन पाउडर और बोन मील की तो कोई कमी नहीं होने वाली। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बाय बाय।